शुरू होता है एक और धमाकेदार खेल प्रो कबड्डी का, तेलुगु टाइटंस वर्सेस युम्बा। लीजिए एंट्री करी है विजय मलिक ने, इनकी रग रग में कबड्डी बहती है, इन्होंने अपना पूरा जीवन कबड्डी को समर्पित किया है। और यहां देखे किस तरीके से डिफेंस चढ़कर जरूर बोल रहा है, युम्बा का कॉन्फिडेंस हाई होगा जिस प्रकार के फॉर्म में वो इस वक्त है। बिल्कुल बोनस अपना कंफर्म करके गए, यहां पर आशीष धर लिए गए हैं, यानी क्लियरली युम्बा का डिफेंस आज पूरी प्लानिंग करके आया है और ये सक्सेसफुल टैकल। अब देखना है कैसे है वो वापसी करेंगे, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है। शंकर गदई पर प्रेशर बनाया और खुद ढेर हो गए, क्योंकि जब तक शंकर गदई को वो पीछे जाकर पकड़ते, सामने से पूरा का पूरा डिफेंस आ गया। बिल्कुल, लेकिन अजीत चौहान ने भी उन्हें पढ़ा हुआ है और यहां विजय मलिक टैकल किए गए। तो युम्बा का डिफेंस शुरुआती लम्हों में ही गरज रहा है, पिछले मुकाबले में 8 रेट डाली लेकिन एक भी पॉइंट नहीं मिला, आज में पॉइंट लाना होगा। छलांग लगाई और कामयाबी भी पाई, कितने पॉइंट्स लेकर के गए मंजीत, कम से कम दो तो तय। रिंग जा रहे बाहर, बिल्कुल दो पॉइंट। क्रैश लैंडिंग भले ही थी लेकिन फ्लाइट को खड़ा किया बड़े तरीके से, और ये पैरों पर। अब तो भाई टाइटंस की वापसी की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर डिफेंस इन पर नहीं टूटा तो आशीष का ये स्ट्राइक रेट इस बार खराब होगा। पीछे धकेलने की कोशिश है सोमवीर को और ये पैरों पर गए। डिफेंस ने काम किया, काफी वक्त लिया और उसके बाद अटैक किया और एक और डू ऑर डाई रेड इस बार। शंकर गदई के हाथों से फिसल गए, जबरदस्त। पिछले मैच में शंकर गदई ने अपने करियर का पहला हाई फाइव लगाया था। दो सुपर टेन है विजय मलिक के, बाकी 7-5 इस तरह के पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां पर कमाल का डिफेंस चल रहा है। आज तो डिफेंडर्स को देखना बड़ा जबरदस्त लग रहा है। सोमवीर ने पहले टैकल किया यहाँ, ये दूसरा टैकल सोमवीर का बहुत एडवांस था, तो आज मुश्किल हो सकता है। टाइटंस के खिलाफ ही ऋषंक देवाडिगा ने वो सुपर टेन लगाया था, शेष चिंता कुछ बचा है खत्म कर देने का। बिल्कुल, यानी कि प्रो कबड्डी में कलेश निपटाने का भी इंतजाम है, बस ये मुकाबले देखने होंगे। और यहां पर गलती की, यहां पर गलती की, सागर को इस तरह से कमजोर टैकल के लिए आना ही नहीं चाहिए था। जफर का फिर अंदर और काफी करीब सफर, आशीष नरवाल अब टैकल में भी सहयोग दे रहे हैं। 9-9 पे बराबरी पर मुकाबला आकर के खड़ा हो चुका है। रिस्क लेंगे, डीप जाएंगे रिंकू, राइट कॉर्नर पे 12 नंबर की जर्सी पहने, देखिए उन्हीं पर हाथ लगाया है, उन्हीं पर हाथ लगाया और आशीष नरवाल कामयाब। कमाल का एक्सेलरेशन था आशीष का। मंजीत युम्बा के, मंजीत तेलुगु टाइटंस के खेमे में खलबली मचाते हुए, 6 का डिफेंस है यहां पर, फुटवर्क काफी तेज, लेकिन पिछली बार वो बैक की कामयाब हुई और एक बार फिर नंबर 2 आउट। अंकित पर प्रहार किया, अंकित दूसरी बार आज बाहर गए हैं। आंकड़े अगर चेक किए जाएं तो मुझे लगता है कि इस बार टू और डाई भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ओहो क्या सेल्फ आउट है। सोमवीर संभवतः सेल्फ आउट होंगे, मैंने कभी ऋषांक आपको, ओहो मंजीत क्या बात है, चेन तोड़ी और एक पॉइंट उठाया। शंकर गदई का ये दूसरा फेल टैकल आज, और यहां जफर दानिश का पेस देखिए, फुटवर्क में चपलता देखिए, लेकिन डिफेंस को उनकी चपलता से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तेलुगु टाइटंस इतनी तेजी से आए थे मंजीत, ऐसा लगा 3-4 को बाहर लेके जाएंगे, लेकिन एम्प्टी रेड थे। 12-12, जी हाँ 12-12 का आंकड़ा है इस वक्त दोनों टीमों के बीच में। बड़ी समझदारी के साथ रणनीतियां बनाई जा रही हैं इस मुकाबले में, डू और डाई सबसे बड़ी रणनीति है। शफलिंग कर रहे हैं दोनों तरफ और डबल थाइस पर गए, बहुत ही बढ़िया टैकल यहां सागर शेखपाल का। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस।
अगर पहली एम्प्टी रही, दूसरी एम्प्टी रही, कोई पॉइंट ना उठाया गया, तो तीसरी पे पॉइंट उठाना अनिवार्य है। आप बिना पॉइंट लिए अगर लौटे, जैसे अभी मनजीत लौटे, तो पॉइंट नहीं मिलेगा। और यहां पे डू और डाई का प्रेशर काम कर गया। शानदार डुबकी यहां मनजीत की, बहुत ही कमाल की डुबकी देखने मिली हमें। टू पॉइंट्स सुनील और रिंकू, दोनों दिग्गज डिफेंडर यहां पे बाहर चलते हुए इस रेड में ट्राई करने की कोशिश करेंगे विजय मलिक, क्योंकि बार बार बोनस लेकर गए रोहित राघव तो परेशानी हो सकती है। और विजय मलिक ने परवेश बैंसवाल को बाहर किया। तेलुगु टाइटन शिकंजा कसते जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जब टाइटन अपनी लीड को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है यू मुंबा पर, सामूहिक टैकल जिसे आप कहते हैं। और ये ऑल आउट हुआ यू मुंबा के लिए, पहला ऑल आउट है आज के मुकाबले का। लीड और बढ़ गई है टाइटंस की। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है ये प्रो कबड्डी का। पहले इस रेट पे नजर डालते हैं जहां विजय मलिक अपने फुटवर्क से सबको इंप्रेस करते हुए, लेकिन डिफेंडर को नहीं। क्या बढ़िया बैक होल्ड लगाया मलिक साहब पे, और कहां जाकर के रिंकू ने बैक होल्ड किया। कमाल का बैक होल्ड था। सागर चपलता से पीछे हटते हुए, और सागर को ही वापस से अटैक किया है। सागर सामने और डूब गए उस सागर में। रेड इट आउट, वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस। रोहित राघव बाहर जाएंगे, अजीत चौहान चले नहीं, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और डिफेंस में भी पॉइंट्स लीक कर रही है यू मुंबा। अब वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस, जिस तरह से फ्लाई करके डिफेंडर को बाहर करते हैं आशीष नरवाल, वो तारीफ काबिल है। ज्यादा समय बिताया नहीं उन्होंने मैच पर, हालांकि फर्स्ट हाफ में खेले, पर बहुत एम्प्टी रेड हमने देखा। और शायद इसलिए क्योंकि मनजीत आज की शाम गति पकड़ चुके हैं, और छठा रेड पॉइंट उनका आज की शाम का। और आप देखेंगे डू और डाई में आज की रात तेलुगु टाइटंस के 5 सफल और 2 असफल रहे, यानी क्लियरली उनका रिकॉर्ड बेहतर और रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। लेकिन बाहर जाएंगे बिना किसी पॉइंट के डू और डाई। सोमवीर आ गए, बिल्कुल ये छठा डू और डाई कामयाब रहा टाइटंस के लिए। यहां 6 का डिफेंस, और ये पैरों पर गए। इस बार डिफेंस ने काम किया, शंकर गदई ने अपना काम किया। शंकर गदई का एक और कामयाब टैकल, ये तीसरा कामयाब टैकल है शंकर गदई का आज का। आशीष नरवाल आज की शाम 5 पॉइंट्स हैं इनके नाम। और ओ परवेश बैंसवाल ने गलती कर दी, स्वयं ही अपना घड़ा फोड़ दिया। हेडलाइन से निकल गए, प्रेशर बनाया था। जफर तानिश के पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग लगी हुई है, लेकिन दिशा ये देखिए, सामने गए और कहां पर एक्सीडेंट कर दिया। आपको अपने स्केप रूट का अंदाज होना चाहिए। मार दिया भाई, यानी कि प्लीज यहां पर आज की शाम 2 पॉइंट तो दिला दे डिफेंस को। और वो अटैक हो रहा है सुनील के ऊपर, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सामने आपके, यू मुंबा के सफल वर्सेस असफल। बैक किक लगाने की कोशिश सुनील के ऊपर, रिंकू पूरी कोशिश करते हुए, क्या वो आएंगे उनकी मदद पे? जी हाँ आए हैं। सुनील ने पैर पकड़े, रिंकू ने बाकी का काम कर दिखाया। डिफेंस ने टाइम निकालने के लिए मजबूर किया, ये रॉ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ देखने को मिली। अजीत चौहान नहीं तो रोहित राघव सही, कोई तो चले यू मुंबा के रेडर्स में। छलांग अच्छी, सागर को बाहर किया रोहित राघव। इस गेम में यू मुंबा को वापसी पे आगे बढ़ा चुके हैं रोहित राघव। पिछली रेड में पॉइंट उठाकर लेकर गए, बैक किक लगाने की कोशिश अंकित के ऊपर, शंकर गदई के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश। क्या तेलुगु टाइटंस का डिफेंस रिस्क लेगा, क्योंकि रिस्क तो अब मुंबा को लेना है। डिफेंस को संयम दिखाना होगा, लेकिन ये तो एक और टच करके चले गए। वन पॉइंट सुपर सब के तौर पर पहचाने जाते हैं रोहित राघव। विजय मलिक वहां धर लिए गए। यू मुंबा इस मुकाबले में शानदार कमबैक कर रही है यू मुंबा, और वो टैकल भी रोहित राघव ने ही किया है। और ये जो मैचेस हैं देख लीजिए, कितने नजदीक फासले से जीता, और आखिर तक
ये रॉक सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया एंड वक्त पर दो पॉइंट्स और ऐड कर लिए तेलुगु टाइटंस ने। ये तीन पॉइंट्स की लीड क्या बड़ी पड़ेगी मुंबई पर। सुपर टैकल टू पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। क्लियरली तेलुगु टाइटंस ने बहुत बड़ा टैकल किया है यहाँ पे। यह रॉक सुपर टैकल मगर की जकड़ आए हैं क्या लेट हो चुके हैं। नहीं अभी भी मौका है रोहित के पास। टू पॉइंट्स न्यू मुंबई मल्टी पॉइंट इस समय जब 1.5 मिनट बाकी है इस मुकाबले में। आशीष नरवाल इज रेडा इज द पकड़े रोहित राघव दे और आशीष नरवाल बकाल बवाल। क्या ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट है। ये सुपर टैकल क्या मुकाबले को बदल देगा। रॉफ सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ मगर की जकड़ कामयाब हुई। तेलुगु टाइटंस को जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है बिना पवन से रावत के बिना विजय मलिक के आशीष नरवाल ने। कोशिश बाकी लेकिन धर लिए गए हैं। यू मुंबई इस मुकाबले में अब केवल 2 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। क्या एक बड़ी रेड हो सकती है। वॉक लाइन के बाद मिड लाइन तक लौटने का 10 सेकंड बाकी है। कदमों से शफलिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही तेलुगु टाइटंस ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। एक और मुकाबला तेलुगु टाइटंस के खाते में। क्या कमाल का प्रदर्शन क्या सुनहरा सफर है तेलुगु टाइटंस का सीजन 11 के दौरान अब तक।